राम राम जी, स्वागत है आप सभी हमारी और नई वीडियो के अंदर। कैसे हो भाई सारे, आए आप सब अच्छे होंगे। जय श्री केदार, जय भोलेनाथ। भाई टेंट ले रखा था, हाथों उठ खा के 3:30 बजे रहे जब लाइन में लगेंगे जाके, मतलब मुँह हाथ धो लिया, नहाया तो गया नहीं भाई, टेंट था वहाँ, ना नहाने की व्यवस्था थी कुछ ऐसी, बस ऐसे ही मुँह हाथ धो लिया और भाई साहब ब्रश कर लिया, मतलब फ्रेश हो गया बढ़िया तरीके से। इब जब भाई मतलब लाइन में लगेंगे जाके, प्रसाद वरसाद ले गए, लाइन लगनी स्टार्ट होगी 5 बजे, गेट कपाट खुल जाएंगे तो भाई अपना जल्दी दर्शन करके फिर नीचे की ओर उतर जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी काम निपटा के अपना जल्दी पहुँचेंगे भाई फिर, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लगा, दो तीन घंटे लोग नंबर नहीं आता, इसी वजह से जल्दी उठे, 3 बजे उठ गए थे तो भाई जब मंदिर पर जान लग रहे। ये देखो भाई साहब, ओम जय भोलेनाथ। हो रहा सामने मंदिर भाई, बिल्कुल हो रहा सामने मंदिर, मंदिर पर जाकर मिलते हैं भाई। प्रसाद की दुकान पर पहुंच गए भाई, प्रसाद ले लिए, ये रख के हमने 4 बैग, 3 तो हमें, एक एक्स्ट्रा शेरी ने लिया भाई, शेरी ने घर के नाम का लिया, शेरी ने एक एक्स्ट्रा, 3 हमारे एक का क्या, 3 के, और भाई उसमें एक्स्ट्रा डलवा लिए हमने प्रसाद के, ये डब्बे रखे जो ये डलवा लिए एक सब में, प्रसाद ले लिया भाई, मंदिर पर पहुँचेंगे लाइन में लगेंगे, लाइन लगनी स्टार्ट होगी। जय श्री केदार, जय बाबा भोले भंडारी। पहुँच गए भाई मंदिर पर, ये देखो लाइन कितनी लंबी लाइन लग ली, पूरी लंबी लाइन लगनी स्टार्ट होगी भाई, पहुंच गए हम भी, बस लाइन में लगेंगे अब, अभी तो कपाट बंद है, ये जो कपाट बंद है भाई, 5 बजे खुलेंगे गेट, 5 बजते सार बस भाई अपना दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, अपना दर्शन वर्शन करके फिर निकलेंगे अपना नीचे के लिए, गौरी कुंड के लिए निकलेंगे फिर भाई। देखे आए तो हम 7.5 घंटे में पहुँच गए थे ऊपर, नीचे उतरते टाइम देखो कितना टाइम लगेगा, ये देखो भाई अभी तो बिल्कुल खाली खाली पड़ा, जब शाम के टाइम आरती हुई थी तो यहाँ इतने आदमी थे बस सर दिख रहे थे आदमी हो गए भाई, नेट की वजह से लाइव नहीं चल पाया यार, नेटवर्क नहीं आया, अगर अब सुबह के टाइम आ गए तो एक बार देखेंगे, दर्शन करने के बाद लाइव चलेंगे भाई। 1 घंटा भाई लाइन में खड़े खड़े, 5 बज गए पूरे, गेट खुल गए, यात्रा चालू होगी भाई, चलो भाई लाइन देखो भाई कितनी लंबी लाइन है, भयंकर सिर दिख रहे आदमी हो गए, 2.5 घंटे हो गए भाई लाइन में लग रहे हैं, नंबर नहीं आप भी, और अगर भाई लाइन है काफी लंबी, 1 घंटा लगा लगेगा जिस हिसाब से लाइन चली, उस हिसाब से तो 1 घंटा लग जाएगा। अरे देखो ऊपर क्या नज़ारे आ रहे हैं, पहाड़ों के बर्फीले पहाड़, तेरा मंदिर श्री केदारनाथ जी का, और भाई भीड़ देखो कितनी लंबी भीड़ है, हम तो भगत लग गए थे लाइन में आ गए यहाँ तक जब आ गए, नहीं तो भाई पीछे रहते और नंबर आना हो जाता मुश्किल, बहुत भयंकर लंबी लाइन लग रही पूरी, 1 घंटा लगेगा भाई अभी जिस हिसाब से लाइन चल रही, उस हिसाब से 1 घंटा लग जाएगा। पहुंच गया भाई बिल्कुल मंदिर के गेट पे, 3 घंटे बाद अपना नंबर आया, आया तो भी नहीं लग जाएगा, भी 15-20 मिनट तो लगी जाएगी मंदिर में अंदर तक जाने के लिए, पर यहाँ तक आने में भाई 3 घंटे लग गए पूरे, 4 बजे लाइन में लग गए थे, 7 बजे रहे, दिखाया टाइम दिखा भाई तो अगर दी वीडियो बोलता है, 7 बजे रहे भाई, ये देखो भाई 7 बजे रहे, 4 बजे लगे थे लाइन में, और 1 घंटा भी लगी जाएगा अंदर तक जाने में, दर्शन वर्शन करने में, प्रसाद चढ़ाने में, दर्शन करके आ गए भाई बाहर, पूरा 1 घंटा लगा, 7 बजे यहाँ गेट के बाहर लगे थे, और अब जस्ट 8 हो रहे, 1 घंटे तक ज़्यादा लगा भाई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए यार अपना प्रसाद, और भाई आज भी बिल्कुल घी में घी मालिश करी तो सारे आज घी में हो गए, पर आज साफ कर ले, 2 लड़के पता नहीं कहाँ रह गए अपने, नज़र नहीं आ रहे, जूते तो उनके यहीं रखे, पर भाई बाकी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मन खुश होगा भाई, जितनी थकान थी सारी थकान दूर होगी बाबा केदार के दर्शन करके। हो गए भाई अपने दर्शन वर्शन कंप्लीट हो गया, सब कुछ नाश्ता कर लिया, अब जब भाई निकल लिया बस नीचे उतरने के लिए गौरी कुंड के लिए, स्टार्ट करेंगे जब भाई ट्रैकिंग, क्या टाइम हो रहा देखो, ऊपर टाइम क्या हो रहा भाई, 9 बजे रहे भाई, देख किस टाइम तक पहुँचेंगे नीचे, वे लड़के तो चले गए भाई, मैं रुक गया था ऊपर ही, जब एक बार कवर करूँ जाके कहाँ तक मिलेंगे वे। जय श्री केदारनाथ, जाओ बोले भंडारी सदाजी महाराज की, जाओ जाओ केदारनाथ की। तो भाई पहुंच गए, होगी अपनी यात्रा कंप्लीट बिल्कुल,
जय भोलेनाथ की भाई, भोलेनाथ की दुआ है। बिल्कुल परफेक्ट यात्रा कंप्लीट हुई भाई अपनी, जाने की भी आने की कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी बहुत थकावट तो हुई है भाई। और बिल्कुल ऊपर जाती सार मतलब पॉइंट पे जहाँ मंदिर पाँच सात चार पाँच किलोमीटर है जहाँ, वहाँ जाकर भाई ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन है, जीरो है। वहाँ जाकर तो ऐसी सांस फूल जाए, चल तो सार बुरा हाल हो जा। और भाई ये पहुँच गए गौरीकुंड, ये भी जो गेट पीछे है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का, बस 500 मीटर है जहाँ टैक्सी मिलेगी। टैक्सी में बैठ कर फिर अपनी गाड़ी में जाओगे, टैक्सी ले जाएगी भाई जहाँ गाड़ी पार्किंग हो रही है सोन परियाग पार्किंग पे, वहाँ तक टैक्सी में जाओगे। यात्रा कंप्लीट होगी भाई अपनी, बाबा की दुआ है। जय के जय श्री केदारनाथ। ये रहेगा भाई सोन परियाग, 5.5 किलोमीटर है, बस 500 मीटर हो जाना आगे ज़्यादा टैक्सी मिलेगी, 500 मीटर के बाद टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी में बैठ कर सोन परियाग पार्किंग पे अपनी गाड़ी में, और भाई बस गाड़ी में बैठ के सही से चलेंगे, खाना वाना खाएंगे कहीं बढ़िया जगह जाके। यहाँ तो खाना बढ़िया नहीं है ना भाई, खाना यहाँ बढ़िया भी नहीं लगता यार, पता नहीं टेस्ट नहीं है खाने में। आगे अपना खाना खाओगे भाई कहीं आगे जाके हाईवे पे, और भाई देखेंगे सीधा रेट घर जाए बीच में कहीं स्टे ले, वो तो टाइम के हिसाब से देखेंगे, टाइम ज़्यादा होगा तो स्टे ले लेंगे कहीं बीच में, नहीं तो डायरेक्ट। टैक्सी स्टैंड पर पहुँच गया भाई, टैक्सी भी नहीं खड़ी यहाँ तो, एक गाड़ी खड़ी है या अभी टैक्सी में नहीं चल रही, उत्तराखंड सरकार है यार भाई, और दिख नहीं कहीं टैक्सी कहाँ है, देखो भाई वेट करो टैक्सी का तो, या फिर गाड़ी तक पैदल जाना पड़ेगा और 4-5 किलोमीटर, अगर टैक्सी नहीं आती तो। टैक्सी दिख तो रही नहीं भाई कहीं पे भी, यहीं मिल गया टैक्सी, देखो भाई क्या होता है टैक्सी मिलते हैं नहीं या पैदल ही जाना पड़ेगा। निकल के भाई वहाँ से तो गाड़ी लेके, क्या खड़ी गाड़ी अपनी, बैग वैग सब रख लिए, थोड़े आगे निकल के वहाँ से भी सोन पर ही आगते हैं रेस्टोरेंट पर रुक गए भाई, यहाँ खाना खाओगे, भूख लग रही बहुत तेज, 4:30 बज रहे हो रहे, हम उतर गए थे भाई 5 घंटे में नीचे उतर गए थे बिल्कुल, गाड़ी तक आ गए थे 5 घंटे में पूरे। भैया भाई खाना वाना खाओगे, भूख लग रही बहुत तेज, 2-3 दिन हो गए खाना नहीं खाया सही तरीके से, और भाई थक भी गए बहुत बहुत बुरे थक गए पैर भाई, दवाई लेनी पड़ेगी मेडिकल पर, पैर इतने अकड़ गए बहुत ज़्यादा अकड़ गए पैर। भैया भाई भाई रात कल नीचे उतर गया गौरीकुंड, पता है अपनी गाड़ी लेके निकल गए थे भाई, तो वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं रही यार, गाड़ी में बैठती ही पड़ गया से नींद आई, मैं तो सो गया था, शेरियर निकली गाड़ी लेके आए यहाँ तक श्रीनगर ऑस्ट्रेलिया था भाई रात, टिकट पे जाने की हिम्मत नहीं रही थी यहाँ से भी, तो अभी 200 किलोमीटर के आसपास है अभी भाई अपना घर, 200 का भी ऊपर ही है ऑस्ट्रेलिया था भाई, होटल दीप पैलेस में फिर जब भाई नान हो गया बढ़िया तरीके से फिट हो गए, बिल्कुल फ्रेश होगा मामला रिलैक्स बिल्कुल, तो वाइफ जो निकलेंगे घर की तरफ देखेंगे, अगर ऋषिकेश हरिद्वार रुकने का मन करा तो वहाँ रुक लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बस घर चलेंगे। गाड़ी की हालत देखो क्या होगी, बिल्कुल सड़ी पड़ी जगह से भी वॉश करवाओगे, पहुँच जाएंगे अगर कहीं ना रुके तो शाम से पहले पहुँच जाएंगे, 2-3 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे भाई घर पे। और भाई देखो श्रीनगर के नज़ारे, सूर्य देवता बढ़िया नज़र आ रही है आज, बढ़िया धूप निकल रही, गर्म पानी में नहा गया रिलैक्स होगी बॉडी बिल्कुल। और भाई पीछा रोड बहुत ख़राब था यार, बस डैमेज हो रहा था पूरा ही रोड, अब निकलेंगे भाई चल दे गाड़ी लेकर, रेडी हो गए सारे भाई, नान हो गए, नाश्ता भी कर लिया, पानी पी लिया, चलो भाई चलेंगे निकलेंगे अब। ये देखो भाई नज़ारे, श्रीनगर के नज़ारे देखो, क्या नज़ारे है श्रीनगर के, वाओ। पिछली बार आए थे जब भी भाई श्रीनगर में स्टे लेना पड़ा था, अरब की बार भी भाई श्रीनगर में लिया, क्योंकि यहाँ सही है यार, रूम भी सही है, रेट भी सही है रूम के, तो इसलिए बस यहीं स्टे ले लिया। चलो भाई चलते हैं भाई, निकल गए घर के नाम के, रास्ते में है 250 किलोमीटर है भी घर अपना, लग जाएंगे 4-5 घंटे लग जाएंगे जाने में, पहाड़ों की खूबसूरती का मजा लो भाई, काफ़ी दिन बाद आए भाई पहाड़ों में, और जल्दी जा रहे अपना, मन तो कर नहीं रहा जाने का भी, और पर कोई नहीं जाऊंगे अगली बार, जल्दी प्लान बनाऊंगे फिर दोबारा आने का, अब के बार तो अचानक से बन गया था प्रोग्राम, कोई प्लान तो था नहीं, बस एकदम आगे, तो इसलिए बस हल्का सा ही टूर है 2-3 दिन का, फिर अगली बार आऊंगे भाई, ज़्यादा दिन का प्लान बना गया पूरी टीम के साथ, अब की बार तो आदमी भी बस 3 ही है हम, ये 2 चपड़गंजू होंगे और मैं हूँ भाई, अगली बार भाई पूरी टीम के साथ आऊँगे अपनी। ये रही भाई टूरिस्ट बसें जो हरिद्वार से श्री केदारनाथ जी की ओर जाती है सवारियों को लेकर, ये बेचारे बसों में धक्के खाते हैं, मैं ना गाड़ी में ले आया,
इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। जी भाई जी देखो लोकेशन चेक करो कहाँ पर पहुंच गए, कमेंट करके बताओ भाई लोकेशन कहाँ की है। देवनगरी देव प्रयाग संगम पे पहुंच गए भाई, ये रहा संगम। इधर तो गंगा जी आ रही है, इधर से भाई केदारनाथ से जो नदी आ रही है अलकनंदा। हाँ नहीं जी गंगा जी नहीं गया बजरती अलकनंदा संगम। भाई देखो क्या खूबसूरत नजारा है संगम का, गजब। संगम पर पहुंच गए भाई देवनगरी देव प्रयाग, वे राज में नीचे स्नान कर रहे संगम पे। आगे जाके भाई गंगा जी होगी, इधर गंगा जी इधर तारी, और भाई आगे जाके एक होगी दोनों नदी मिल के एक साथ पूरी गंगा जी होगी। आगे तो भाई गंगा रिवर नाम है इसका नदी का। भाई साहब क्या खतरनाक नजारा, वाओ खूबसूरत नज़ारा संगम का। खड़ी अपनी गाड़ी ये रवाना भाई सारे सारी फ्रॉड रोहतक में मेरे भाई 1500 की दो आ गए से कर लिया गंगा स्नान भाई अपना, बहुत मन था यार गंगा जी में नहाने का, और राफ्टिंग भी करी अलग थोड़ी सी, और भाई नहा धो के बस सीधे टिप तो भाई हल्का हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे और बस फिर सीधे घर निकल जाएंगे। बहुत टाइम होगा शाम होली भाई सीधे घर जाएंगे अपना बस भीजा नहा धो गया मजा आ गया गंगा जी में नहा गया बिल्कुल चिल्ड पानी था बहुत बढ़िया मजा आया एक नंबर का जी लगा रिलैक्स होगी बॉडी बिल्कुल पैरा कट रहे थे ना तो सार गंगा जी में बिल्कुल रिलैक्स। चलो भाई जब अपनी गाड़ी में बैठ गया फटाफट चल रहे घर, और भाई इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करियो। टाटा बाय बाय।